यहाँ पर कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हमें थर्मल ऑन करना चाहिए, जीपीयू और परफॉर्मेंस पे टिक करना चाहिए, या फिर हमें 32 और 64 बिट से ये काम चला लेना चाहिए। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखो आज की वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर BGMI और पबजी मोबाइल का अभी तक में चल रहा सबसे बेस्ट GF है, उसका सबसे बेस्ट सेटिंग बताऊंगा जो कि आपके गेम का काफी ज्यादा परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देगा, साथ में आपके फोन के ग्राफिक्स को भी कंप्रेस करके बिल्कुल स्मूथ रखेगा ताकि आपको गेम में ज्यादा से ज्यादा FPS मिल सके। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज देखो नीचे रेड रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि ऐसी और भी वीडियोस ना आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम जिस GFX का बात कर रहे हैं उसका नाम है PCT+, और ये आपको प्ले स्टोर पे ही मिल जाएगा। एक पेड वर्जन वाला GFX है। देखो ये वाला GFX ना पहले एंड्रॉइड 12 तक ही काम करता था, बट अब इसमें कुछ नए अपडेट्स आ गए हैं, अब ये एंड्रॉइड 13 और 14 में भी काम करता है, साथ में ये 120 FPS और रेजोल्यूशन को भी फिक्स कर चुका है, और अब सीजू को भी अवेलेबल है इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया एंड्रॉइड 13 और 14 के लिए। तो चलो यार हम इसका सबसे पहले बेस्ट सेटिंग्स बनाते हैं ताकि आपका फोन बहुत ही ज्यादा स्मूथ चले। तो सबसे पहले आपको अपना वेरिएंट सेलेक्ट करना होगा। देखो पबजी मोबाइल या BGMI दोनों को आप यूज कर सकते हो इस पे। उसके बाद सिंपली बेसिक ग्राफिक्स में जाना और रेजोल्यूशन का जो ऑप्शन आता है ना, यहाँ पर आपको सबसे कम वाला रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है। देखो जितना ज्यादा कम होगा ना उतना ज्यादा गेम स्मूथ होगा। उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है आपका ग्राफिक का, तो यहाँ पर सुपर स्मूथ भी मिल जाता है और स्मूथ भी मिल जाता है। यहाँ पर भी कई सारे लोग फंसते हैं, तो देखो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो सुपर स्मूथ है ना वो उनके लिए है जिनको केवल परफॉर्मेंस से मतलब है, जिनका मिड रेंज में या फिर लो एंड डिवाइस में आता है और आपको रिकॉर्डिंग से मतलब नहीं है, तो आप सुपर स्मूथ के साथ ही जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ग्राफिक्स थोड़े चेंज होते हैं। और उसके बाद देखो FPS का जब बात आता है ना, सपोज करो अगर आपका डिवाइस 40 FPS देता है तो आप 60 को सेलेक्ट करना, ठीक है, लेकिन अगर आपका 30 FPS देता है तो आप 40 को सेलेक्ट करना, 60 को मत करना, जितना आपका डिफॉल्ट ग्राफिक है फोन का उससे एक ज्यादा सेलेक्ट करना। मैंने यहाँ पे 90 रखा है एक्सपेरिमेंटल के तौर पे, क्योंकि देखो मेरे पास कूलर भी है और मेरे को एक घंटे से ज्यादा खेलना होता भी नहीं है, तो कोई बड़ी डील नहीं है। उसके बाद देखो आप अपना कलर को सेलेक्ट कर लेना, और ये जो शेडो और MSAA है ना इनको डिसेबल करना, ये एंटी एनालाइजिंग और शेडो है, ये आपके गेम को और ज्यादा लैग करता है। उसके बाद देखो मिसिलिनियस ग्राफिक्स में ना आपको यहाँ पे 32 बिट को सेलेक्ट करना है, अगर आपका APK भी 32 बिट का है तो फिर बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो 32 बिट होता है OpenGL और 64 बिट होता है Vulkan। OpenGL परफॉर्मेंस के लिए होता है, FPS के लिए होता है, और Vulkan होता है क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ना रेंडरिंग का सेटिंग आता है, तो इसको आपको लो पे रखना है, बाकी सारी चीज भी लो पे, और नीचे किसी भी चीज को टिक मत कर लेना। उसके बाद देखो एडवांस ग्राफिक ऑप्शन आता है, तो इसमें जाना और सबसे ऊपर में जो मेमोरी बूस्ट है ना इसको ऑन कर देना। उसके बाद देखो साउंड का आता है, तो मैंने यहाँ पर हाई रखा है, आप अगर लो एंड डिवाइस है तो लो पे भी रख सकते हो, हाई इसलिए मैंने किया है क्योंकि फुटस्टेप वगैरह लेना रहता है। अब देखो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है जीरो लैग मोड। देखो इसको जैसे आप इनेबल करते हो ना, तो आपने पीछे में जितना भी ग्राफिक्स को किया है वो सभी 80% तक डिसेबल हो जाते हैं, और इसको करना जरूरी भी होता है क्योंकि ये एक्चुअल में लैग को फिक्स करता है। उसके बाद देखो इसका एक प्रोफाइल होता है, तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगा कि 60 FPS वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना इसमें मैक्सिमम आप उस पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखो आता आपका ग्राफिक टाइप, तो यहाँ पर आपको स्मूथ पे टिक करना है, और देखो नीचे का किसी भी चीज को छूना नहीं है, बस ये जो है ना पोटैटो ग्राफिक्स इसे इनेबल कर देना, बाकी सब आपका OpenGL के हिसाब से लगा हुआ है क्योंकि हमने 32 बिट स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था। तो बस आपको यहीं तक ग्राफिक अपना रखना था, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा इसके अंदर में। पता कैसे करे कि मेरा ये एक्चुअल में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट उससे पहले मैं अपने कुछ एक्सपेरिमेंटल ग्राफिक कर लेता हूँ, आप ये मत कर रहे क्योंकि इससे आपका डिवाइस बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। देखो जब आपने अपना सारा ग्राफिक को ऑन कर लिया तो अप्लाई पे क्लिक करना, ग्रांट मांगेगा, यूज दिस फोल्डर पर टिक करना, और ये आपका अलाउ हो जाएगा। अब देखो उसके बाद एक प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है अपने गेम का क्लियर कैचे करना है और फिर से बैक आना है और फिर से फोर्स टू अप्लाई करके रन गेम पे क्लिक कर देना। अब देखो यहाँ पर ना अगर आपका मेमोरी बूस्टेड लिखा आएगा तो समझ जाना कि आपका GFX टूल काम कर रहा है, लेकिन अगर आपका मेमोरी बूस्टेड नहीं आया तो समझना ये आपने सपोर्ट नहीं किया, एंड्रॉइड 13 और 14 में ये चीज नहीं आता है। अगर आपका डिवाइस एंड्रॉइड 12 से नीचे का है ना तो देखना आप में मेमोरी बूस्ट आना चाहिए, ठीक है। और एंड्रॉइड 13 और 14 में सीजुको को कैसे कनेक्ट करना है GFX टूल से वो मैं आपको बता रहा हूँ, बट उससे पहले अगर आपका एंड्रॉइड 12 से नीचे का डिवाइस है और आपके अंदर कांट यूज दिस फोल्डर का ऑप्शन आता है, तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ नहीं बता सकता वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखो एंड्रॉइड 13 और 14 में ना PGT के ऊपर में देखना यहाँ सीजुको का ऑप्शन मिल जाता है एडवांस ग्राफिक्स में, तो आपको इसको इनेबल करना है और सीजुको से एक्सेस कर देना है। इसके लिए आपके फोन में सीजुको का एप्लीकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कोई ये मत पूछ देना कि भाई सीजुको को कैसे यूज करते हैं, इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी
वीडियो बना रखा था कांट यूज इस फोल्डर में ही आपको मिल जाएगा देखने को, नहीं तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। मेरे पास अभी एंड्रॉइड 14 का डिवाइस है। और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है स्ट्रेंज ट्यूब, आपको वहां से भी हमारा चैनल मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर मैं हमेशा मम्मी सूट वगैरह या फिर किसी भी चीज का स्क्रीन वगैरह दिया करता हूं। बस यार आज के वीडियो में यही था, जैसे मैंने आपको बताया ना बिल्कुल वैसे ही जाओ और अपना अप्लाई करो, एंजॉय करो गेम को। और जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप नए होना तो प्लीज देखो नीचे रेड रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के बेल नोटिफिकेशन कॉल पर कर लेना।